ये हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये शिव मंदिर है। जिस दिन ये आंदोलनकारी जो राजकमल चौक के ऊपर उधर जो भी हंगामा हो रहा था उस समय परिस्थिति जो एकदम से बिकट हो गई थी, तो हमने देखा कि ये मंदिर के ऊपर कुछ असामाजिक तत्व कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमने मोहल्ले वालियों ने सब ने मिलकर इस जगह को सकली के ज़रिए से घेर लिया, एक दूसरे की सकली बनाकर कि भाई इसको कुछ नुकसान ना पहुँचे, कि भाई समाज के अंदर जैसा एक अच्छा संदेशा जाए कि भाई हमारे मुस्लिम एरिया के अंदर ये मंदिर होने के बावजूद भी हिफाजत से है और हम तीन दिन से हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। आज के अमरावती के इस माहौल के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से हालात बने हुए हैं और हबीब नगर जमील कॉलोनी यानी बेस्ट हॉस्पिटल के करीब में एक मंदिर है जहाँ पर हिंदू भाई बिरादर वादर बहुत दूर रहते हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के बच्चों ने, बड़ों ने इस मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं, चारों तरफ से उसको मुहाफिज बाउंड्री खींच ली है। इस इलाके में जहाँ आप लोग हैं बावजूद में मंदिर है, ये हबीब नगर है और यहाँ हिंदू इलाका जो बहुत दूर है यहाँ से, लेकिन जब पता चला कि यहाँ मंदिर है इस मोहल्ले में और बलगा रोड पर यानी जमील कॉलोनी के करीब में बेस्ट हॉस्पिटल के बाजू में एक मंदिर, तो मंदिर को इतनी हिफाजत से हमारे नौजवानों ने चारों तरफ से उसको घेरे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाए कि हम कभी नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो और ऐसे हालत पैदा हों। हमारा समाज का माता जी का मंदिर है असूर्या पेट्रोल पंप के सामने हबीब नगर। वो कई, मेरे ख्याल से हमने तो नहीं देखा, लेकिन 125 साल पुराना मंदिर है और वो एरिया शुरू से ही पूरी मुसलमान एरिया में ही है। हमारे समाज का या हिंदू समाज का एक भी घर वहाँ है नहीं। कुछ घर थे पहले, तो वो घर अब वो शिफ्ट हो गए हैं और अभी टोटल 99% वो एरिया में मुस्लिम लोग है। इसके पहले भी दो तीन बार वहाँ राइड्स हुए थे, लेकिन वो हमारे मंदिर को आज तक मुसलमानों ने, वो एरिया के जो लोग रहते हैं वो सभ्य लोग हैं, उन लोगों ने वो उसकी रक्षा की, वो मंदिर को उन्होंने हाथ नहीं लगा दिया। इवन जब अयोध्या की वो मस्जिद गिरी थी, बाबरी मस्जिद, उस समय भी काफ़ी कुछ ये हुआ था, लेकिन हमारे मंदिर को उन लोगों ने सेफ रखा।